हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 28 मार्च 2021 और आज इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो शेयर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि इन फ्यूचर में अदानी ग्रीन जैसा मल्टी बैगर रिटर्न देके आपको करोड़पति बना सकता है। क्योंकि ये दोनों ही शेयर्स दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इनमें से एक शेयर का अभी करेंट मार्केट प्राइस मात्र 100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए ये दोनों शेयर्स कौन कौन सा शेयर है वो हम जान लेंगे, साथ में थोड़ा सा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला शेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका प्राइस है मात्र 103 रुपये, यानी 100 रुपये के आसपास। कुछ दिन पहले जब मार्केट में गिरावट आया था तब ये 100 के नीचे भी आपको मिल रहा था, और लास्ट डे फ्राइडे के दिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 5% का तेज़ी यानी जंप हमें देखने को मिला है। ये शेयर्स का अगर आप जो रिटर्न्स का प्रोफाइल आप देखोगे, आप फैन हो जाओगे, क्योंकि एक महीने पे ये शेयर्स आपको देखिए पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। अगर बात करें 6 महीने पे दोस्तों, आप चौंक जाओगे। 6 महीने पहले ये शेयर्स 50 रुपये के आसपास हुआ करता था, और वहाँ से लेकर आज तक दोस्तों 92% का रिटर्न कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को मात्र 6 महीने पर। अगर मैं बात करूँ 1 साल का, तो दोस्तों 1 साल में भी कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया। आप देख सकते हो 1 साल पहले ये शेयर्स 50 के भी नीचे था, 25-30 रुपये में आसपास हुआ करता था। जब मार्केट गिरावट आया था तब देख सकते हो, उस तब से लेकर आज तक आपके पैसा को 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। अगर मैं बात करूँ 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो दोस्तों आपको 5 साल पे भी कंपनी का पॉजिटिव रिटर्न आपको नजर आएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक बनिए। देखिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या होता है, आप एक बात सबसे पहले आप प्रॉफिट में रहोगे, चाहे आप किसी भी लेवल में खरीदा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप देख सकते हो, अगर फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल में इतना तेज़ी का क्यों इतना रीज़न है दोस्तों, आगे इन फ्यूचर में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी, इसके ऊपर दोस्तों मार्केट पूरा कैप्चर होने वाला है और सीधा सीधा फायदा होगा इस टाइप की शेयर्स को। अगर मैं बात करूँ शेयर्स का फंडामेंटल दोस्तों, आप ये शेयर्स दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, ये शेयर का जो मार्केट कैपिटल है, एक लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैपिटल है। पी वैल्यूएशन देखिए 35, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर में, आप अदानी ग्रीन को देखिए, 900 के ऊपर इसका आपको मिलेगा पी वैल्यूएशन। अगर आप अदानी ट्रांसमिशन को देखिए, उसको भी ऑलमोस्ट 90 के ऊपर आपको मिलेगा। ROC की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7.3553 का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूँ बुक वैल्यू का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक वैल्यू से इसका करेंट मार्केट प्राइस दोस्तों 2 भी नहीं है, यानी PV रेशियो 2 के भी नीचे है। और ये शेयर्स दोस्तों सबसे बड़ी बात, कंपनी सॉलिड डिविडेंड देता है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो कि बैलेंस शीट का, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ नज़र आएगा, बट लास्ट 1 साल में दोस्तों कंपनी ने बढ़िया, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कुछ सालों में फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी बढ़िया प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा रिजर्व है, देख सकते हो आपने 33,000 करोड़ का कंपनी, और कंपनी का बैंक बैलेंस देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस जो कि कोई भी कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, 21,000 करोड़ के ऊपर इसका रिजर्व है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी का जो मेन प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे खूब माल उठाया, जो कि जून 2020 में था 37% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। उसके बाद देखिए सितंबर दिसंबर क्वार्टर में देखिए 46, यानी ऑलमोस्ट 10% अपना स्टेक बढ़ाया है इसका प्रोमोटर्स ने। अगर बात करूँ FIIs ने भी अपना हिस्सेदारी बढ़ाया सितंबर से दिसंबर तक। अगर मैं बात करूँ DIIs के पास भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टेक है 23% के ऊपर। और दूसरी ओर में अगर बात करें तो रिटेल निवेशक, यानी रिटेल पब्लिक, हम और आप जैसे लोग, उन्होंने भी थोड़ा बहुत 1% करीब बढ़ाया। अब शेयर्स का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, मात्र 100 रुपये का शेयर्स है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही समझा, बहुत लोग गेस भी कर चुके हैं, कंपनी का नाम है टाटा पावर, सॉलिड कंपनी दोस्तों इन फ्यूचर में दोस्तों, जो कि टाटा पावर जो सेक्टर में काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, इसके ऊपर दोस्तों सॉलिड रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं टाटा पावर। तो दोस्तों आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी पे बाय ऑन डीप स्टडीज से खरीदारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपनी कुछ टाइम पहले 115 का हाई लगाया था और आज की डेट पे ये शेयर्स आपको ऑलमोस्ट 10 से 12% का डिस्काउंट में मिल रहा है।
दूसरे शेयर स्टार्ट करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके इनकरेज करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों दूसरा जो कंपनीज है, दूसरा जो शेयर्स है हमारे लिस्ट में, उसका अभी करेंट मार्केट प्राइस 871 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। लास्ट डे फ्राइडे के दिन आपको ऑलमोस्ट वही 4-4.5% की आपको तेज़ी देखने को मिला है। अगर आप देखोगे ये कंपनी भी दोस्तों बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उठ के आया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक साल पहले का चार्ट पैटर्न, सबसे पहले एक महीने का देखिए, एक महीने पहले दोस्तों ये शेयर्स आपको 750 रुपये के आसपास हुआ करता था एकदम फर्स्ट मार्च के दिन। आज के डेट पर आप देख सकते हो 871 रुपये पे चल रहा है। अगर मैं बात करूँ 6 महीने पे दोस्तों, आप चौंक जाओगे, आपका बुद्धि चकरा जाएगा, क्योंकि 250 रुपये का शेयर आज के डेट पर आपको 871 रुपये में। दोस्तों मैं आपको क्यों इतना जोर दे के बोल रहा हूँ टाटा पावर्स और ये जो कंपनी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये शेयर्स खरीदने में, क्योंकि ये जो सेक्टर में काम करते हैं दोस्तों, पावर सेक्टर में, इन फ्यूचर में दोस्तों ह्यूज ग्रोथ है, ह्यूज ग्रोथ। क्योंकि इन फ्यूचर में दोस्तों ये जो सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर पूरा दुनिया इतना ज़्यादा फोकस करेगा, जोर देगा और सीधा सीधा फायदा होगा दोस्तों ये सारे कंपनीज़ को। मैं यहाँ पे आप देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, एक साल पहले ये शेयर्स भी सेम आज जहाँ पे टाटा पावर्स था उसके आसपास ही था, देखिए 200 रुपये के अंदर, 184 रुपये में। और एक साल बाद देखिए ये शेयर्स कितने पे आ गया है, 871 रुपये पे। अगर आप देखा जाए एक साल का रिटर्न्स तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑलमोस्ट 4.5 गुना कर दिया है आपके पैसा को मात्र एक साल पे। अगर मैं बात करूँ 5 साल का, तब भी आपको नज़र आएगा मार्केट मतलब एकदम मल्टीबैगर रिटर्न। दोस्तों 5 साल में आप देख सकते हो 2300% का रिटर्न दिया है, 2386% का, यानी कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम का दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, एक टाइम पहले 2015 में मार्केट में लिस्ट हुआ यह कंपनी 27 रुपये के आसपास, तब से लेके आज तक दोस्तों आपको ये शेयर आपको हमेशा अप ट्रेंड में जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जब से मार्केट में लिस्ट हुआ 2015 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 6 साल के करीब हो गया है, 6 साल में दोस्तों 3000% के ऊपर रिटर्न दे चुका है, यानी कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल दोस्तों सॉलिड है। चलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा फंडामेंटल दिखाता हूँ कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखिए, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ छूने ही वाला है, 95,000 करोड़ का। पी वैल्यूएशन देखिए 88 का है। ये सब सेक्टर में दोस्तों, पावर सेक्टर में दोस्तों पी वैल्यूएशन उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हर एक कंपनी का, अगर आप अदानी ग्रीन का भी देखोगे वो 900 के ऊपर उस पार है, ठीक है। ROCE का देखिए 12% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का जबरदस्त है। कंपनी शेयर का फेस वैल्यू देखिए 10 के ऊपर चल रहा है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो कि यहाँ पे पर क्वार्टर के हिसाब से या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो, कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट जो कि एक टाइम पे बहुत ही ख़राब हुआ करता था, यहाँ पे कुछ टाइम पे लॉस भी आया था, बट लास्ट कुछ सालों में देखिए इसके अंदर ज़बरदस्त आपको ग्रोथ नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पास एक टाइम पे 2015 में जब मार्केट में लिस्ट हुआ था माइनस पे रिजर्व था, और लगातार इसके अंदर रिजर्व यानी कंपनी के पास बैंक बैलेंस लगातार बढ़ा है, 7,000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास अभी करंट हिसाब से रिजर्व पड़ा है। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए दोस्तों मेजोरिटी ऑफ स्टेक कंपनी के जो मेन प्रोमोटर्स है उनके पास है, बाकी आप देखिए FIIs, DIIs ने खूब माल उठाया है ये कंपनी के अंदर। अगर मैं बात करूँ रिटेल निवेशक, हम आप जैसे पब्लिक, जहाँ पे माल बेचा है वहीं पे देखिए फॉरेन निवेशक ने माल उठाया है, यही डिफरेंस होता है दोस्तों रिटेल निवेशक की, जो कि अच्छा कंपनी होता है वहाँ पे दोस्तों रिटेल निवेशक बेच के निकल जाता है। और ये कंपनी कौन सा कंपनी है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम सेक्टर में बिलोंग करता है जहाँ पे अदानी ग्रीन बिलोंग करता है, नाम है अदानी ट्रांसमिशन, सेम अदानी ग्रुप का ही एक कंपनी है अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन सेम। यहाँ पे आप देखिए पावर सेक्टर में अदानी का तीन कंपनी लिस्टेड है, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए टाटा पावर। ये जो दो कंपनी मैं आपको दिखाया, अदानी ट्रांसमिशन और टाटा पावर, ये दोनों कंपनी दोस्तों ह्यूज ग्रोथ मुझे लग रहा है इन फ्यूचर में, नाम देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये दोनों कंपनी के अंदर आप अभी से ही बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जितना वक्त बिताए मतलब आगे जाएगा ये शेयर्स और महंगा होता जाएगा, और बाद में जाके आपको महंगा शेयर्स खरीदना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।